नमस्कार दोस्तों, एक अच्छी खबर नेपाली क्रिकेटर फैंस के लिए आ रही है, क्योंकि नेपाल और हांगकांग के बीच में आज हो रहा था T20 ट्राई नेशन सीरीज का मुकाबला। और इस मुकाबले में जिस तरीके से नेपाल ने परफॉर्मेंस की, उसी से चार चांद लग गए। तो नेपाल ने टॉस जीतकर सबसे पहले बैटिंग करने का फैसला किया, और बैटिंग करते हुए जिस तरीके की बैटिंग की है नेपाल ने, वो बहुत काबिले तारीफ थी। शुरुआत में कुशल भुरतेल 2 रन बनाकर मात्र आउट हो गए, साथ ही साथ आसिफ शेख भी बहुत ज़्यादा देर तक टिके नहीं रह पाए, 20 रन बनाकर आउट हो गए। सोमपाल कामी भी 8 रन पे आउट हो गए, और कप्तान रोहित पौडेल भी 11 रन बनाकर मात्र आउट हो गए। लेकिन इन चारों के जाने के बाद जो धुआंधार पारी खेली, वो कुशल मल्ला और दीपेंद्र सिंह एरी ने खेली। जी हाँ, इन दोनों के बीच में करीबन 150 रन की पार्टनरशिप बनी, जहाँ पर दीपेंद्र सिंह एरी ने 34 बॉन्दों में 57 धुआंधार रन बनाए, और सबसे अच्छी बल्लेबाजी की कुशल मल्ला ने, जिन्होंने 92 रन बनाए। और अपनी सेंचुरी से महज 8 रन पहले ही वो विकेट उनका गिर गया, और 2 गेंदें बची थी मैच की तब। अपनी इनिंग्स में उन्होंने 9 छक्के लगाए, बॉल कई बार खोती रही स्टेडियम में, इतने छक्के डले कुशल मल्ला ने, साथ साथ 3 चौके भी चढ़े। और उनकी पारी अगर आपने नहीं देखी तो बहुत कुछ मिस किया। तो कुशल मल्ला ने कर दिया बवाल अपने बल्ले से इस मैच में, और सिर्फ 6 विकेट खोकर नेपाल ने 213 रन बनाए और टारगेट दिया हांगकांग को 214 रन का। और फिर हांगकांग 214 रन के टारगेट का पीछा करने आई। 20 ओवर में हांगकांग ने 134 रन बनाए, 8 विकेट खो दिए। नेपाल इस मुकाबले को जीता 79 रन से। T20 का ये मुकाबले को 79 रन से जीतना बड़ी बात है, और हांगकांग के लिए अंशुमन रथ ने ही सबसे ज्यादा रन बनाए, जो कि 45 थे, उसके अलावा किसने रन नहीं बनाए। तो ये थी लेटेस्ट रिपोर्ट नेपाल वर्सेस हांगकांग के मैच को लेकर, साथ साथ कुशल मल्ला के लिए जैसी उन्होंने परफॉर्मेंस दी, कमेंट जरूर लिखेगा।